मर्द की जिंदगी जिहड़ी हुंदी है ना वह भावें छोटी होवे उहदी जिंदगी का तत् यही हुंदा कि सिर उच्चा करके जीना। महाराज ने बाणी च बचन किया जे जीवै पत लथी जाए। हुण वेखो मिटदे ते सारे ही है ते असीं जिंदगी किन्नू गिणदे आ। जे कोई अपनी इज्जत अणख ते पत गवा के जिंदा भावें वह सौ वरियां की जिंदगी होवे उस जिंदगी नूं बाणी च हराम जिंदगी कहा गया। आपां कई वारी सोचदे आ भी एवें हठ कर लिया जी, सोचते हैं ना जी भी की फर्क पैंदा सी जी, जे ताकत कोई जोर पाउंदियां ने ते झुक जाना चाहिए अपनी जिंदगी बचाउण वास्ते, जिंदगी बचा लैंदे। पर जे बाणी दे सच नूं वेखीए ते बाणी दा सच कहिंदा भी जे झुक के जिंदगी बचा भी लईए वह जिंदगी जिंदगी नहीं हुंदी, वह जिंदगी बोझ बन जाती है। सच पुछो ते बेगैरत ते झुक के बचाई हुई जिंदगी जिहड़ी है ना वह अपनी लाश आप ढूंढ दे बराबर है। इस वास्ते गुरमत ने कहा कि जे पत गवा के जीना है तो फिर वह जीना तो हराम जीना है। से जीविया जिस मन वसिया सोए, सो जीविया जिस मन वसिया सोए नानक अवर ना जीवै कोई। जदों असी बाणी विचों दर्शन करते हैं तो भागा वाले तीन तरह की मौत के दीदार सानू बाणी च हुंदे आ। इहनू थोड़ा जिहा समझ लई असी, मैं समझदा मैं वीर सरबजीत सिंह जी नाल गल कर रहा सी कि वेखो ये वो नौजवान ने शायद इन्हां विचों बहुत सारे वह ने जिन्हां ने कदी बाणी का शब्द सुनिया भी ना हो, क्योंकि सिर्फ पंजाब विचों नौजवान नहीं आए, भारत भर के हर खेत्र दे विचों। मैं वेख रहा सी बिहार तो नौजवान दस रहे सी कि सानू दो दिन हो गए चलियां नू बिहार तो। हुण कमाल ये होगी जड़े जड़े भाषा नहीं सी समझदे पंजाबी दी, जे वह भी शुभदीप वीर नू प्यार कर रहे हैं तो भारत वासियां दी ते गल ही छड्डो ना जी। वो वीर जिन्हां ने शायद कदी बाणी का शब्द सुनिया भी ना हो, तो लगभग तीन घंटे समा हो गया कीर्तन चलदियां नू, तीन घंटे तो एड्डी वड्डी भीड़, पुलिस प्रशासन खड़ा, इन्हों का तजर्बा ज़्यादा है, बंदा 500-700 इकट्ठा हो जाए तो कई बार इन वास्ते मुसीबत बन जाती है कि भीड़ नू कंट्रोल किवें करना है। लखां दी गिनती का इकट्ठ है तो इस इकट्ठ का सहज तो संजम वेखो तुसीं, इस इकट्ठ की एकाग्रता वेखो तुसीं। जिहड़े वीरां ने जिन्हां बच्चियां ने कदी बाणी का अखर नहीं सुनिया होएगा तीन घंटिया तो चौंकड़े ला के गुरु के शब्द न जुड़े है, ये भी कोई जिंदगी की करामात तो घट नहीं है। गुरमुखो किते ना किते बीजे हुए कर्म बोलते ने मनुख दे, कमाए हुए कर्म बोलते ने। इस समागम नू सतसंगी समागम बना दिता, गुरमत की रंगत दे दिती, और सब तो कमाल की गल कि इस परिवार ने सारे का सारा समागम पंथ की झोली च पा दिता। एक मोर लगी कि शुभदीप वीर केवल परिवार का नहीं सी, केवल माता चरण कौर ते पिता बलकौर सिंह दा पुत्तर नहीं सी, शुभदीप वीर सारे पंथ दा पुत्तर सी। इस वास्ते पंथक रूहां बैठियां कि पंथ दा समागम है ते असी पंथ दे पुत्तर वास्ते आके बैठे हाँ। भागां वालिओ इह शुभ शुभ इशारा है, मैं कहिंदा कि इस जोश जज्बे नूं इस भावना नूं जे सही दिशा मिल जावे, जे कोई सुजग सियाणप दे नाल वाकई जिम्मेवार ते संजीदगी दे नाल इन्हां बच्चियां नूं अज भावुक पलां दे अंदर सीधे राह ते तोरना जावे ते पंजाब दी जवानी कुराए पैणों बच सकदी है। इह शुभ इशारा है। जदों असी बाणी दे विचों वीरो तुसीं ध्यान नाल सुणियो मौत नूं वेखण दा यतन करदे आ ते बाणी च तीन तरह की मौत का जिक्र आउंदा है मूल जे रूप च। वैसे मौत दे कई सरूप हुंदे आ समाज दे अंदर, बहुत सारे लोग आर्थिक मौते मरदे आ, बहुत सारे लोग समाजिक मौते मर जाते हैं, बहुत सारे लोग राजनीतिक मौत भी मर जाते हैं, कई खेत्र ने मौत दे। पर गुरमत के अनुसार बंदे की जिंदगी दे अंदर तीन तरह की मौत है। एक है शरीर का मरना, जिहड़ा सारी दुनिया के उत्ते आए हुए हर जीव ने मरना है, जिन्हों महाराज ने बाणी च कहा सबना मरना आया विछोड़ा सबना, जिन्हों बाणी च सतगुरु जी ने मोर ला के आया आख्या कि इस धरती के उत्ते शेख हयाती जग ना कोई थिर रहे आ, जित आसन हम बैठे किते बैस गया। पता नहीं साढ़े तो पहला किन्ने कु आए ते किन्ने कु चले गए। सारिया के शरीर ने बिनसना है, सारिया के शरीर ने मिट्टी हो जाना है। बाबा कबीर साहब कहिंदे गर्भ ना कर बंदिया, जिहदे कोल अज ताकत है मन लो कि कोई धरती उत्ते मिट्टी होके पिया ते कोई मिट्टी करन वाला गुरूर च ललकारे मारे कि मैं मिट्टी कर दिता। पर सतगुरु जी कहिंदे गर्भ ना कीजे उच्चा देख आवास,
आज काल भोएं लेटना उपर जामे घास, बंदिया अज नहीं तो भलके तू भी मिट्टी की ढेरी च होना, तो इतने घा उग गया होना, किसी को पता भी नहीं होना भी इतने कौन सत्ता से। सो यह है शरीर का मरना, हर मनुख ने मरना, हर जीव ने मरना, जो आया सो चल सी, सब ने मरना। एक है जमीर का मरना, हुण जदों शरीर मरदा तो डॉक्टर डिकलेयर करते हैं, मैडिकल साइंस डिकलेयर करती है, वो साड़ी नब्ज़ वेखते हैं, वो साड़े दिल की धड़कन वेखते हैं, वो साड़े ब्लड का सर्कल वेखते हैं, तो सारी शरीर की किरिया वेख के कहते हैं मिट्टी हो गया, किरिया रुक गई है, तो बंदे घोषित कर दिता जाता यदि मौत हो गई है। दूसरे पासे गुरमत विचों जो नज़र आता, मैं गुरबाणी के आधार पर कह रहा, दूसरा गुरबाणी कहती है कई बार शरीर जिंदा हुंदा है, ख्याल करियो गुरमुखो, कहिंदे शरीर जिंदा हुंदा है पर जमीर मर चुकी हुंदी है। डॉक्टर तो सिर्फ शरीर नू चैक करेगा ना, बाणी जमीर नू चैक करती है। कौम के मरदे मुजाहद महापुरख ने कहा सी, मैं शरीर की मौत नू मौत नहीं गिणदा, मैं जमीर की मौत नू मौत गिणदा। तो दुनिया उत्ते लाशां दे ढेर लगे हुए है जिन्हां दीआं जमीरां मर चुकियां ने। वाकई गुरमुखो गैरत दे नाल पट ते थापी उही मार सकदा जिहदी अणख जिंदी होवे, जिहदी जमीर जिंदी होवे।